द्वारा प्रदेश सरकार के दिए गए फरमान जिसमें सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके तहत बेमेतरा जिले में भी जेल भरो आंदोलन किया गया। बाजार पारा स्थित भद्रकाली मंदिर से रैली के रूप में निकलकर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी जेल के जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला को बनाया गया था, वहां राज्य सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। जनता पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी की जो जन विरोधी जो उनकी नीति रहती है उसका विरोध करना। तो अभी आप लोगों के भी संज्ञान में आया होगा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, जबकि प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने उनकी नीतियाँ हैं यदि अच्छी है तो उसकी प्रशंसा भी कर सकता है और वो बात यदि गलत है तो उसकी निंदा भी कर सकता है। तो आज जो उन्होंने एक नियम जो जारी किया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए आपको 19 में फॉर्म भर के देना पड़ेगा। हम लोग भी जब SP साहब के पास गए तो डायरेक्टर साहब ने हमको फॉर्म दिया कि इसको भर दो, उसके बाद आपको आंदोलन किए आंदोलन का अधिकार मिल जाएगा। तो हमने कहा कि इसी का तो विरोध करने के लिए हम जेल भरो आंदोलन, तो आंदोलन आज इसीलिए है कि भूपेश सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम को आज तोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और जेल भरो आंदोलन के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता आज गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन के तहत जिला मुख्यालयों में आज जेल भरने का आह्वान किया। बूढ़ा तालाब जो धरना स्थल था वहाँ पर जगह कम पड़ने लगी, वहाँ पर हर वर्ग आंदोलित, हर वर्ग उद्वेलित। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने चुनाव के समय जो लुभावने नारे दिए थे उसकी पूर्ति 3.5 साल बाद नहीं हो पाई और वहाँ पर चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे विद्युत वाले हो, चाहे मितानी हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोटवार हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल के लोग हो, वहाँ अपनी जायज मांग को लेकर बैठ रहे थे। इसलिए ये काला कानून लाया गया और इस काले कानून के विरोध में 1 तारीख को हम लोगों ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और 15 दिन का समय दिया गया था कि 16 तारीख को हम जेल भरेंगे और आज सूची के तहत पूरे जिला मुख्यालयों में जेल भरने के लिए हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता और हम सब।